तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए एचआर का जो फीडबैक होता है या मैनेजर का जो फीडबैक होता है, क्या वो नेसेसरी होता है? क्या आपके जॉब पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के टाइम पे जब आपका फीडबैक लिया जाता है? कई बार आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे, कोई लिंक आया होगा एंड उसमें बोलते हैं कि अपने मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर दो या अपने एचआर का कॉन्टैक्ट नंबर दो या उनकी ईमेल आईडी दो, और वो आपके फीडबैक के लिए कॉल जाता है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इस पर मैंने एक्चुअली एक शॉर्ट वीडियो और भी बनाया हुआ है, वहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा बताया, बट आज डिटेल में बात करेंगे हम। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप किसी कंपनी को, किसी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन थर्ड पार्टी कंपनी को, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो और फीडबैक के लिए नंबर डालते हो या ईमेल आईडी डालते हो, तो उस केस में क्या होता है कि फीडबैक के लिए आपके मैनेजर के पास या एचआर के पास एक कॉल जाता है कि उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बेसिकली वो पूछते हैं कि बंदा टाइम के लिए पंचुअल है कि नहीं है, बंदा ऑफिस डेली कैसे आता था, काम कैसे करता था, डेली कैसे आता था, इन द सेंस ये नहीं कि आपका कन्वेंस क्या था, मतलब टाइमिंग से आते हो जाते हो, तो वो सारी चीज़ें फीडबैक होती है। एंड इसके बाद आपका जो काम करने का तरीका है वो कैसा है, काम का फीडबैक कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, तो बेसिकली जो जनरल थिंग्स होती हैं वो पूछी जाती हैं आपके मैनेजर से, या मे भी कई बार हो सकता है कि वो एचआर से पूछ लेते हैं। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के पर्पज से बात करोगे, तो अगर मान लो इसको हम किसी पॉइंट में डिवाइड करें कि आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, आधार, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें हो गई, उसका जो रेशियो है वो 40% है। एंड इसके बाद में आपका जो प्रोफेशनल वेरिफिकेशन है, जैसे एक्सपीरियंस, ऑफर लेटर, रिन्यूअल लेटर, इन सब का वेरिफिकेशन, उसका रेशियो 50% है। तो 50 एंड 40 90% हो गया, एंड 10% आपका रेशियो हो गया फीडबैक, जिसमें कि आपके मैनेजर का, एचआर का हो सकता है, या आपके फ्रेंड सर्कल का जो आप कॉन्टैक्ट नंबर देते हो तो वो उस चीज़ का हो गया। तो 10% उसका मैटर करता है कि 10% आपका वो एड ऑन होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मैनेजर के फीडबैक से, आपके एचआर के फीडबैक से आपका बीजीवी रिजेक्ट हो जाएगा या आपकी जॉब चली जाएगी, तो ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है। बट क्या होता है कि जो बीजीवी की कंपनी होती है उनको फीडबैक लेके उस कंपनी को भेजना होता है जहाँ पे आप ज्वाइन करने वाले हो कि इस बंदे का फीडबैक कैसा था या वो सारी चीज़ें। बट 100% इम्पैक्ट ये नहीं डालता है आपकी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में कि आपकी जॉब चली जाएगी, बीजी भी रिजेक्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट इन सम केसेस, लाइक कोई पॉस का केस ना लगा हो, कोई थेफ्ट का केस ना हो, कोई लड़ाई झगड़े का केस ना हो, वहाँ पे आपने कुछ एब्यूजिंग ना करी हो अपने मैनेजर एचआर के साथ में, कुछ भी इस तरीके का केस नहीं होना चाहिए। एंड अगर आपका फीडबैक में आपका मैनेजर बोल देता है नहीं काम सही नहीं करता था या टाइम से नहीं आता था, वो चीज़ें मैनेजेबल होती हैं, वो इजीली हो जाती हैं, वो इतना अकाउंटेबल नहीं होती। बट ये कुछ मैंने पॉइंट्स बताए वो नहीं होने चाहिए। वो अगर केस है तो उस केस में आपकी जॉब जरूर जा सकती है, बीजी भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड इसके बाद अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो, वहाँ पे चार्जेबल कॉल होती है। मेरा नाम है शिवम, मैं मिलता हूँ अपने एक वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।